अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने कहा था कि मैं आइंदा जो लेक्चर है उसमें सेक्स टाइमिंग के बारे में बताऊंगा कि उसका टाइमिंग कितना होना चाहिए और अगर इससे कम हो तो क्या वो एक मर्ज़ की शक्ल में सामने आएगा या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं। बेसिकली इसको सूरत इंजाल भी कहते हैं या फिर इसको प्री मेचोर इजैकुलेशन भी कहते हैं। आमतौर पर जो टाइमिंग होता है जो जिसे हम नॉर्मल टाइमिंग कहते हैं वो होता है 1.5 से 2.5 मिनट के अंदर अंदर। इसके बाद अगर 2-3 मिनट या 4 मिनट भी हो जाए 5 मिनट भी हो जाए तो हमें उसे भी नॉर्मल टाइमिंग ही तसव्वुर करना चाहिए। यानी आप ऐसा समझ लें कि अगर 1.5 मिनट से लेकर 5 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट का टाइमिंग हो, यानी कि एक आम नॉर्मल शख्स का ये टाइमिंग हो सेक्स का, तो वो नॉर्मल टाइमिंग है। उसे आप सेहतमंद तो सफ़र करेंगे, लेकिन अगर ये टाइमिंग 5 मिनट से बढ़कर ज़्यादा हो जाए या 2 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर या इसे पहले ही डिस्चार्ज हो जाए, इंजाल हो जाए, तो उसे आप एक मर्ज़ की शक्ल जो है ना तो सफ़र करेंगे। आमतौर पर होता ऐसे है कि टाइमिंग का जो इशू है वो होता है इंजाल के ऊपर, यानी डिस्चार्ज के ऊपर। अगर डिस्चार्ज पहले हो जाए तो टाइमिंग कम है, अगर डिस्चार्ज बाद में होगा तो टाइमिंग ज़्यादा है। लेकिन जिस आदमी का इंजाल का टाइमिंग ही कम हो तो उसे सेक्स जो है उसका जो मुबाशरत का टाइमिंग है वो खुद ब खुद ही कम हो जाएगा। तो बेसिकली हम टाइमिंग का जो इशू है वो इस तरह कवर करेंगे कि हम देखेंगे कि इंजाल कब होता है, इंजाल कब नहीं होता। यानी अगर हमें ये समझ आ गई कि इंजाल का मतलब ही टाइमिंग का मतलब है, इंजाल जल्दी होगा तो टाइमिंग कम है, इंजाल बाद में होगा तो टाइमिंग ज़्यादा है, तो हमें अब देखना ये है कि इंजाल कब ज़्यादा होता है और कब कम होता है, इंजाल कब जल्दी होता है और इंजाल कब लेट होता है। तो ये है असल बात में कि हम टाइमिंग का इशू कैसे कवर कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमें ऐसा भी देखने में मिलता है कि एक बिल्कुल नॉर्मल शख्स है जो अपने जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, लेकिन जब वो जमा का सोचता है तो उसे फौरन इंजाल हो जाता है, या जब वो किसी फीमेल को देखता है तो उसे फौरन डिस्चार्ज हो जाता है, या ऐसा भी होता है कि जब वो जमा करने लगता है दखूल से पहले, यानी इंदामे नहानी में जब वो आलात तनासल को दाखिल करता है तो फौरन उसका आलात तनासल जो है वो ढीला हो जाता है, और जब ढीला हो जाएगा और इसके साथ साथ उसका इंजाल हो जाएगा तो उसका टाइमिंग खुद ब खुद कम हो जाएगा। मैं सिर्फ इसी पे बात करूँगा कि इंजाल कब जल्दी होता है और इंजाल कब देर बाद होता है, यानी कि डिस्चार्ज का टाइमिंग कब जल्दी है और कब देर बाद है। तो 4-5 ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से जो इंजाल है वो बहुत जल्द हो जाता है, यानी कि जो प्री मेचोर इजैकुलेशन है वो बहुत ही जल्द हो जाता है, यानी कि सूरत इंजाल हो जाना। तो सबसे पहली जो वजह है वो है कि किसी भी बड़ी बीमारी का लाहक हो जाना, किसी बीमारी में मुबतला हो जाना। इनमें से सबसे अहम और बड़ी बीमारी दिक का मर्ज है, यानी टीबी है। अगर टीबी का मर्ज होगा तो स्टार्टिंग में ये होता है कि उसकी जो उकसाहट है आलात तनासल की वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी उसमें
इरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, शहवत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में यकदम इम्पोटेंसी हो जाती है, यानी कि यकदम नामर्दी हो जाती है। तो एक वजह यह नज़र आई कि टीबी का लाहक हो जाए। नंबर टू भी आता है शुगर का मर्ज, अगर किसी को हो जाए शुगर किसी को हो जाए तो उस वजह से भी इम्पोटेंसी हो सकती है, यानी कि नामर्दी हो सकती है, और उस वजह से भी इंजाल बहुत जल्द हो जाता है। और बाद अवत ऐसा भी होता है कि डायबिटीज वाले पेशेंट जो है जिनको शुगर है उनमें इरेक्शन होता ही नहीं है, यानी बिल्कुल मुकम्मल नामर्दी। और आगे एक ये वजह भी होती है नंबर थ्री पे कि मराकीपन का पैदा होना। मराकीपन कहते हैं पागलपन को, जुनून को। जुनून की हालत में ऐसा होता है कि आदमी की जो उकसाहट होती है, जो ख्वाहिश होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जब वो जमा करने लगता है तो फौरन ही उसे इंजाल हो जाता है। यानी मराकीपन, पागलपन, जुनून एक ऐसा मर्ज है कि जो दिमाग को बहुत ज़्यादा ख्वाहिश में मुब्तला करता है कि वो सेक्स करे, मुबाशरत करे, लेकिन जब वो मुबाशरत करने लगता है तो दखूल से पहले ही इंजाल हो जाता है, मतलब कि उसका टाइमिंग बहुत ही कम हो जाता है। और बाज़ अवक़ात ऐसा भी होता है कि हमें मराकीपन वाले जो पेशेंट होते हैं, जो पागलपन वाले, जुनून वाले पेशेंट होते हैं, उनमें अक्सर नामर्दी पाई जाती है। नंबर फोर पर आती है कि अगर किसी को कल्बी बीमारी हो, यानी दिल का मसला हो, तो उस वजह से भी उसका जो इंजाल है, उस वजह से भी जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम हो सकता है। यानी अगर सबसे पहले अगर किसी को डायबिटीज हो, टीबी का मसला हो, पागलपन या जुनून होना, और नंबर फोर भी आता है किसी को दिल का मसला हो, तो वहाँ पर भी टाइमिंग का इशू। फाइव भी आती है सुजाक, यानी कि नंबर पाँच पे जो वजह है टाइमिंग के कम होने की, इंजाल के जल्द हो जाने की, इम्पोटेंसी की, वो है सुजाक। सुजाक में ये होता है कि स्टार्टिंग में उसका टाइमिंग बहुत अच्छा होता है, आला इतनासल में इरेक्शन बहुत अच्छा होता है, शोहबत अच्छी होती है, लेकिन बाद में यकदम जो है ना इम्पोटेंसी का वो पेशेंट शिकार हो जाता है। तो सुजाक के पीछे वजह क्या होती है, आप लोग जानते हैं कि सुजाक वहाँ पर होता है, उस शख्स को होता है जिसने एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा फीमेल के साथ मुबाशरत की हो, तो ऐसे पेशेंट को सुजाक होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, जो एक फीमेल से हटकर दूसरी फीमेल से फिर करता है, फिर तीसरे से करता है, तो ऐसे शख्स को सुजाक का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि ऐसे मर्द को सुजाक होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस शख्स को, जिस आदमी को सुजाक हो जाए, उसको भी इम्पोटेंसी हो सकती है, उसको भी इंजाल बहुत जल्द हो सकता है, यानी कि उसका टाइमिंग जो है वो कम हो सकता है। ये थी नंबर फाइव पे वजह कि अगर टाइमिंग कम हो तो उसके पीछे। नंबर सिक्स पे आता है कि अगर किसी ने कसरत से मुश्तज़नी की हो, या फिर जलक की हो, या फिर कसरत से मुबाशरत की हो, यानी बहुत ज़्यादा जलक करना, बहुत ज़्यादा मुबाशरत करना, तो उस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उस पेशेंट को, उस शख्स को इंजाल बहुत जल्द हो सकता है। यानी कि इसके पीछे वजह ये बनी कि अगर किसी ने मुश्तज़नी की हो बहुत ज़्यादा, यानी मुबाशरत की हो बहुत ज़्यादा, दो वजह, एक जलक का करना जो हाथ से डिस्चार्ज करते हैं, और दूसरा कि बहुत ज़्यादा कसरत से मुबाशरत करना, तो अगर ये भी किसी ने किया हो तो उस वजह से भी टाइमिंग का इशू हो सकता है, टाइमिंग कम हो सकती है, इंजाल बहुत जल्द हो सकता है। ऐसे शख्स भी जब मुबाशरत करते हैं तो दखूल से पहले ही उनको इंजाल हो जाता है। नंबर सिक्स में जो वजह है वो है मास्टरबेशन, यानी मुश्तज़नी करना, या फिर ओवर सेक्स, बहुत ज़्यादा सेक्स करना, बहुत ज़्यादा। इसके बाद एक वजह ये होती है कि अगर कोई इश्किया गज़लें लिखता हो, गाता हो, पढ़ता हो, या फिर इश्किया जो तस्वीर होती हैं वो देखता हो, या जो सिनेमा हॉल होता है वहाँ पर ऐसी मूवीज़ वगैरह देखता हो जो उसके माइंड को बहुत जल्द उकसाहट करती है, यानी कि माइंड को सेक्स की तरफ लेकर आती है, तो उस वजह से भी पहले तो ये होता है कि उसका जो इरेक्शन है, जो तनाव है, जो शोहबत होती है, वो बहुत जल्द आ जाती है, और बाद में ऐसे पेशेंट को इंजाल बहुत जल्द हो जाता है। सबसे अहम
और सबसे बड़ी वजह इंजाल के बहुत जल्द हो जाने की, टाइमिंग के कम होने की या फिर इम्पोटेंसी की, वो है शराब नोशी या फिर कसरत से बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करना या कहवा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना या फिर फास्ट फूड जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। अगर शराब नोशी या फिर तंबाकू नोशी या फिर चाय का कसरत से इस्तेमाल किया जाए, यहाँ तक कि किसी भी मनशियात का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको चांसेस है कि इम्पोटेंसी हो सकती है, मुकम्मल तौर पर नामर्दी हो सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मनशियात ऐसा करते हैं कि आपकी जो उकसाहट है वो ज़्यादा करते हैं, जिस वजह से आपका जो आला तनासल है उसमें शहवत बहुत ज़्यादा होती है, उसमें जो इरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये होता है वक्ती, यानी कि चंद मिनट के लिए इरेक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही आप मुबाशरत करने लगते हैं या मुबाशरत का सोचते हैं, तो आप ऐसा भी हो सकता है कि मुबाशरत से पहले ही इंजाल हो जाए आपको, या आप पहले ही डिस्चार्ज हो जाए, या अगर आप दखूल करने लगते हैं तो तब आपका जो आला तनासर है वो ढीला हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आला तनासर ढीला भी ना हो लेकिन आपको इंजाल हो जाए, आप डिस्चार्ज हो जाए। तो वजह देख लें कि ये है शराब नोशी, कसरत से मनशियात का इस्तेमाल, सिगरेट नोशी करना, तंबाकू नोशी करना, ये सारी वजह है कि जिस वजह से टाइमिंग का मसला बन सकता है, इंजाल बहुत जल्द हो सकता है। आपको सिर्फ ये बताया है कि कुछ लोग कहते हैं कि सेक्स टाइमिंग जो है वो बहुत कम है, का कोई हल बताएं। तो मैं कहता हूँ कि सेक्स टाइमिंग का मसला अक्सर वहाँ पर होता है, उस शख्स को होता है जिसका इंजाल बहुत जल्द हो जाता है। तो हम देखेंगे कि ऐसे पेशेंट को सूरत इंजाल कब होता है और कब नहीं होता। तो हम वहाँ पर जब उस इंजाल के ऊपर मेडिसिन देंगे तो उसका जो टाइमिंग है वो खुद बखुद ज़्यादा। मैंने बेसिकली जो मेन बताया है वो ये है कि अगर कसरत से जलक की हो, मुबाशरत की हो, या फिर मनशियात का इस्तेमाल किया हो, शराब नोशी की हो, या फिर आपका जो माइंड है वो पागलपन की तरफ जाए, जुनून जिसे आप मराकीपन भी कह सकते हैं, या फिर किसी को किसी बड़ी बीमारी का लग जाना, जैसे डायबिटीज हो सकता है जिसे आप शुगर कहते हैं, या फिर जिसको बीपी का मसला हो सकता है, दिल के मर्ज हो सकते हैं, या फिर किसी को अगर टीबी का मसला बन जाए तो भी वहाँ पर हो सकता है। हाँ, सबसे और अहम वजह मेरे मुताबिक वो है सुजाक। सुजाक अगर किसी को हो जाए तो वहाँ पर इम्पोटेंसी का होना ये आम है, यानी सुजाक वहाँ पर होता है जो आदमी एक वक्त में बहुत ज़्यादा फीमेल के साथ मुबाशरत करता है, सेक्स करता है, तो वहाँ पर इम्पोटेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। सुजाक जो है वो आपके पास खुद चल कर आता है, ये जो ऐसा मर्ज है जो दूसरे से आपको लग रहा है, ना कि आपको खुद ब खुद नहीं हो सकता। ये एक ऐसा मर्ज़ है, समझ लें कि सुजाक ऐसा मर्ज़ है जो आपको खुद ब खुद नहीं हो सकता, बल्कि आप किसी से ले रहे हैं। लिहाजा अपने आप को सुजाक से बचाएं, डायबिटीज से बचाएं और दिल के जो अमराज हैं उनसे बचाएं। अगर ये अमराज आपके अंदर नहीं है तो फिर आप देख लें कि आपका जो माइंड है वो क्या मराकीपन तो नहीं है, उसमें कोई पागलपन तो नहीं है, कोई जुनूनी हाल तो नहीं है। अगर ये अमराज ये मसले भी नहीं है तो फिर आप देखें कि क्या आपने कसरत से मुबाशरत तो नहीं की, यानी जिसको आप जलक कहते हैं, जिसको आप मास्टरबेशन कहते हैं। अगर ये भी नहीं है तो फिर ये देख लें कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी डोज का इस्तेमाल किया है, या फिर बहुत ज़्यादा आप खाना खाते हैं, तो ये वजह भी हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप रात को सोते हैं तो सोने से पहले आप बहुत ज़्यादा खाना खा लें, पेट भर कर आप खाना खा लेते हैं, तो तब भी आपको इंजाल का मसला बन सकता है। तो ये थी कुछ इलामत जो मैंने वजह बताई है सूरत इंजाल की, प्री मेच्योर इजैकुलेशन की। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगा, जो आइंदा लेक्चर होगा उसमें मैं मेडिसिन बताऊँगा कि अगर ये मसला हो तो आपने कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो चैनल है इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें जो सपोर्ट मिलती है, हमें पता हो कि कुछ लोग हमें लाइक करते हैं, हमें पसंद करते हैं, ताकि हम आपके लाइक करने की वजह से, आपका हमें सपोर्ट करने की वजह से
हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करें और आपको बताएं कि ऐसे भी अमराज होते हैं और ऐसे भी अमराज का हल किया जा सकता है, ताकि आपको बताएं कि ऐसे अमराज का कैसे हल किया जा सकता है और ऐसे अमराज क्यों आपको लाहक हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।